प्यार भरा नमस्ते, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में। आई होप दोस्तों आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे से कमेंट करना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ममता रोज़ की तरह आपके लिए एक नई वीडियो मॉर्निंग किया दोस्तों। आज मैंने 7 बजे स्टार्ट करती हूँ वीडियो, और यहाँ पर मैं उत्तराखंड के खूबसूरत गाँव पौड़ी जनपद के खूबसूरत गांव से बिलोंग करती हूँ, उसका नाम है किशनगर। और अभी आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, और मेरी वीडियो को जितना हो सके दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, अच्छे से कमेंट करना। जितने मेरे चैनल को और यहाँ पे गाइस समझ नहीं आ रहा है का, यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है ना गाइस, पानी भी नहीं आ रहा है। और हमने आज 5-5, 6-6 बर्तन भी नहीं आए हमारे पानी के, और परेशान हो चुके हैं यहाँ पे गर्मी। आज का तो मतलब 12-12 बजे तक नींद नहीं आई, पंखे भी लगे हुए हैं, और धरती इतनी गर्म हो रखी है, इतनी उसमें है कि क्या बताएं। पापी इतने बढ़ गए हैं दुनिया में तो क्या ही बताएं। वैसे पट वगैरह खुले हैं केदारनाथ बद्रीनाथ, पर वहाँ तो बारिश हो रही है, यहाँ तो पापी हैं, कहाँ से बारिश होगी, क्योंकि ना कोई किसी को समझ रहा है, ना कोई किसी का वो है यहाँ पर आजकल तो वो है। और मैं अभी यहाँ पर सब्ज़ी बनाती हूँ, और साथ ही साथ अब डालती हूँ मेथी का छौंका, क्योंकि मैं बना रही हूँ सीताफल की सब्जी। यहाँ पे रखी है, ये है मेरा हो चुका है। और अभी जा रही मैं चौंटा साइड, क्योंकि वहाँ जा रखी हैं बकरियाँ उजाड़, और देखूँगी किस किस की बकरी हैं। और सीधे आज वीडियो बनानी है मैंने, क्योंकि ना हमने वहाँ झंगोरा बो रखा है, और झंगोरा पूरा आजकल छोटे छोटे हो रखा है, बारिश पड़ेगी तो झप ऊपर आ जाना है, तो बकरियाँ खा लेंगी, तो उसके बाद कुछ नहीं होगा वहाँ पर। अभी चलूँगी मैं चौंटा साइड जा रही हूँ, देखती हूँ किस किस की बकरियाँ हैं वहाँ। और हमने नाश्ता पानी वगैरह हो गया था, और सुबह 10 बजे का टाइम हो गया, पर आज 10 बजे लग नहीं रही, ऐसा लग रहा है ठंडे का मौसम होगा, और मस्त हो रखा है। आप एक बार व्यू बता दीजिए उनका, क्योंकि ठंडा ठंडा व्यू। मौसम बड़ा ही सुंदर हो रखा है, और अभी जा रही हूँ चौंटा साइड, देखती हूँ किस किस की बकरियाँ हैं, बकरियाँ बन होंगी तो वीडियो बनानी मैंने, और सीधे डालना है मैंने, पता नहीं क्यों करते ऐसे लोग हमारे साथ। और अभी चलती हूँ मैं चौंटा साइड, आप भी बने रहे दोस्तों मेरे साथ वीडियो में, और मैं दिखाती हूँ उजाड़ आपको, कैसे लोग हैं यहाँ के, समझ नहीं आता लोगों का, समझ नहीं आता, फिर दिमाग ख़राब करते रहते, झोंगरा झोंगरा खिला दिया हमारा। गाइस यहाँ पे खड़ी का पेड़ है, और आजकल इसी के घास को काटा जाता है, सिर्फ इसी का यहाँ पे केवल कोई साधन नहीं है, और ना यहाँ बांझ होते हैं, ना ही कुछ होते हैं। अभी खड़ी और ठंडे में उसका पीमल का होते हैं बस, कल पानी भी नहीं है, और पानी के लिए हम जा रहे हैं पनखोली जा रहे हैं, कोई कैर की सिरोली से ला रहा है, यहाँ पर गोले बार रखे। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ बकरियों को देखने के लिए, चोरी चोरी चुपके चुपके हैं कि नहीं किसी की बकरियाँ, और रोज़ खिला रही है हमारा झगड़ा झगड़ा, कैसे होगा खेत में, थोड़ा थोड़ा जम रखा है, वो भी खिला रही है दोस्तों। यहाँ पे ये बकरी चराने वाला रखे हिमांशु दूर जी, और भोलू और आसू और शंकर, और कौन है यहाँ पे आ रखी, ये सब हमारे खेतों में चरा रहे हैं पे, तब यहाँ पे मत बोलना कि हमारे बच्चों के लिए बोल रहे लोग। ये देखो ये भी दिखाओ, ये देखो झंगोरा वहाँ जम रखा है, ये झंगोरा खिला दिया हमारा सारा,
और डमरे ठोक रखे हैं डमरे। ये देखो बोलू को, बोलू लोगों का पकड़ा है, तब बोलू लोगों की मम्मी बोलेगी कि झूठ बोल रही है। सो गया शाम को 6 बजे का टाइम, और अभी यहाँ पे एकदम ऐसा रखा जैसे बारिश के लिए, पर कहीं बारिश हो रही है यहाँ पे, तो बहुत गर्मी लग रही है और बहुत ही खराब हो रही है लोगों की। और यहाँ पे देखो देखो मौसम फ्रेश हो रखा है, बारिश आएगी कि नहीं आएगी दिनों है। और यहाँ पे देखो इसको देखो कैसे देख रही मुझे, क्या है तेरी मर्जी, क्या है हड़गे मुड़के तोड़गी मेरे। और देखो इसका बछड़ा है इधर कर रही है ड्रामे कि मेरे बछड़े के पास मत जा तेरा बछड़ा दे। अरे हमारा लौकी का लगला है, और यहाँ पे इस तरह से लकड़ियाँ रखी है खड़ी वगैरह की, और यहाँ पे ये हमारा। और अभी देखो मौसम है सुरखा ठंडा ठंडा, यहाँ पे जो खेत हैं सीढ़ी नुमा है, और ये देखो कैसे खेत है सीढ़ी नुमा एकदम कोई ढलान सीधे ढलान जो पानी अब ना यहाँ बारिश हो रही है ना यहाँ सट्टी है और ना यहाँ झंगोरा है, क्योंकि यहाँ पे हो चुके हैं सूखे से बेहाल और पेड़ पौधे भी ऐसे हो चुके हैं, ना यहाँ हरियाली है। अभी खेत ऐसे में तो मुँह नहीं आ सकते बाहर, अब लोग दिन में बाहर बिल्कुल नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ गर्मी है बहुत ही बड़ी हुई है। फिलहाल भी गांव जाने का गांव आने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इतना सूखा पड़ गया पानी का, थोड़ा बारिश होनी चाहिए और सब प्रे करो कि भगवान जी बारिश हो जाए और यहाँ पे बारिश का कोई नाम होने चाहिए।